गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और मैं रनिंग करने के लिए रोड पे निकल चुका हूँ। आज जो है 20 तारीख है और आज से मैं बिहार पुलिस का दौरा स्टार्ट कर रहा हूँ। दौरा हुआ बहुत दिन हो चुका है, देखते हैं आज 1600 मीटर रनिंग करने में कितना समय लगता है। आज 1600 मीटर रनिंग करेंगे, स्लो स्लो करेंगे। तो आज 1600 का रनिंग होगा, स्लो स्लो करेंगे, देखते हैं कितना। 8 से 10 मिनट तो अंदाज है कि जाएगा। तो चलिए रनिंग स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कितना समय लगता है इसे। तो आज पहला दिन लगभग जो है 8 मिनट का समय लगा है 1600 मीटर दौड़ करने में। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे कम किया जाए, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज पहला दिन था तो हमने बहुत काफ़ी कम दौड़ा है, मतलब 1600 मीटर। आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में 1600 मीटर की रनिंग होती है, लेकिन 1600 मीटर रनिंग पास करने के लिए कम से कम 3000-5000 मीटर की दौड़ जो है पूरी अभ्यास करनी पड़ेगी, तभी जाके अंतिम फाइनल जो है 1600 मीटर की रनिंग जो है हो पाएगा पूरा। तो ट्राई करेंगे अगले दिन 1600 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दौड़े, ऐसे ही करके करके 200-300 मीटर करके बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 5 मिनट से कम समय में मेरा फाइनल जो है रनिंग हो पाए। चलिए धन्यवाद। तो दौड़ने के बाद मैं नहा लिया था क्योंकि कोचिंग जो पढ़ाने जाना था। कोचिंग का आज फर्स्ट बैच जो था 6 बजे था। चलिए मिलते हैं कोचिंग में। तो कोचिंग में मेरे आने से पहले सभी स्टूडेंट आ चुके थे क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग आधा घंटा, क्योंकि आज रनिंग करना था। नहीं, रनिंग करते करते जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया। देख सकते हैं आप, सभी बच्चे आ चुके हैं। जाने के बाद सबका कॉपी चेक किए और कुछ कुछ सबसे प्रश्न पूछे। तो पहले 9th, फिर 10th और फिर इंटर वाले विद्यार्थी सबसे आज प्रश्न पूछेंगे। आप देख सकते हैं आज थोड़ा मेहनत करे में लाग गई, समझ। मान लो कोई चीज इसमें दे ले, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कराता है, यानी कोई ठोस है चीज अब सीधे कथी में बदल गया, वाष्प में यानी गैस में सीधे बदल गया, तो कौन सा कथी कहलाएगा? उद्पातन। ठीक है, बैठो। सही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वाह, कितना? 180। हां, तनका है ध्यान ले, बैठ जा बैठ जा, छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते लई क्या है। चलो तू बता भाई, वाली मगामा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। जोर से बोलना, ठीक है? श्रीनिवास जी, मगामा का विवाद किसे था? अपनी बहू से। ठीक है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? चार। ठीक है, मंगू कौन था? मंगू कौन था? माँ कहानी। हाँ, माँ कहानी में एगो शीर्षक है मंगू, तो मंगू कौन था पता है ना? मंगू कौन था? पागल। हाँ, बैठ जा, पागल था, यही तो सुनना चाह रहे थे कौन था। शक पकड़ा जाता है सब, ठीक ना? मंगू क्या था? पागल था। माँ कहानी किस भाषा के से अनुदित है, यानी माँ कहानी कौन सा भाषा से लिया गया? जैसे में भाषा हुआ कन्नड़, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़। कन्नड़ से दही वाली ले गई, ठीक ना? गुजराती होगा, बैठो, याद नहीं करती है सही से। तो याद क्या हो? साइड हो जाती है। चलिए, तो आज जो है इंटर का सबसे 5-5 गो ऑब्जेक्टिव सुनेंगे, ठीक है? प्राचीन इतिहास से सब सुनाएगा भाई, ठीक है? चलो, अंजलि कुमारी पहले सुनाएगा भाई। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा सभ्यता होगा सब बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता। गलती है, सही है। चलो तो ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब? गुजरात में। राय बहादुर दयाराम शनि ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? हड़प्पा में। हाँ, सही है। हाँ। चलिए, तो सभी वाला सभी बैच का छुट्टी देने के बाद घर पे गए, घर पे खाना खाया। खाना में देख सकते हैं भात और सब्जी है, आलू सोयाबीन का। और शाम वाला सभी बैच का छुट्टी हो जाने के बाद जो है कोचिंग में बैठकर भुजिया खरीद कर खाया। फिर इसके बाद कुछ काम किया और नाइट में जो है खाना खाया। देख सकते, खाना में मच्छी और रोटी है।
होप क्या ये ब्लॉग आपको पसंद है, यदि ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इसके लिए आप कमेंट कीजिए। साथ ही यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।